आदरणीय सभापति जी, फेडरलिज्म को लेकर कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित अनेक साथियों ने यहां कई विचारों को प्रस्तुत किया है और बहुत स्वाभाविक है और इस सदन में इसकी चर्चा होना और स्वाभाविक है क्योंकि यहां राज्य के वरिष्ठ नेता, उनका मार्गदर्शन इस सदन में हमें मिलता रहता है। लेकिन जब ये बात करते हैं तब मैं आज सबसे आग्रह करूंगा कि हम फेडरलिज्म के संबंध में हमारे जो कुछ भी विचार हैं कभी बाबा साहब आम्बेडकर को जरूर पढ़ें, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का स्मरण करें। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में कहा था उसी को मैं कोट कर रहा हूं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था ये फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अटूट है, प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, प्रशासन के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और नेशन की कल्पना को स्पष्ट किया है और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं फेडरलिज्म को समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक मैं समझता हूं तो मार्गदर्शन के लिए किसी बात की जरूरत है। लेकिन विशेषता यह है क्या हुआ है हमारे देश में, फेडरलिज्म के इतने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, इतने उपदेश दिए जाते हैं, हम क्या वो दिन भूल गए जब एयरपोर्ट पर जरा जरा सी बातों के लिए मुख्यमंत्री हटा दिए जाते थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टी अंजय जी के साथ क्या हुआ था ये सदन के अनेक नेता अच्छी तरह जानते हैं। प्रधानमंत्री के बेटे को एयरपोर्ट पर उनका प्रबंध पसंद नहीं आया तो उनको बर्खास्त कर दिया। इसने आंध्र प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इसी प्रकार कर्नाटका के लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल जी को भी अपमानित करके पद से हटाया गया था, वो तब जब वो बीमार थे। हमारी सोच कांग्रेस की तरह संकीर्ण नहीं है, हम संकीर्ण सोच के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी सोच में राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय टारगेट और रीजनल एस्पिरेशंस, उसके बीच में हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस को उतने ही इज्जत के साथ एड्रेस करना चाहिए, समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और भारत की प्रगति भी तब होगी जब देश विकास को ध्यान में रखते हुए रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करें, यह दायित्व बनता है। जब हम इस बात को कहते हैं देश को आगे बढ़ाना, लेकिन इसकी यह भी शर्त है कि जब राज्य प्रगति करते हैं तब देश की तरक्की होती है। राज्य प्रगति न करे और देश की तरक्की का लिए हम सोचे तो हो नहीं सकता है, और इसलिए पहली शर्त है राज्य प्रगति करे तब देश की तरक्की होती है, और जब देश की तरक्की होती है देश समृद्ध होता है, देश के अंदर समृद्धि आती है तो समृद्धि राज्यों में परकोलेट होती है और इसके कारण देश समृद्ध बनता है। इस सोच के साथ हम चलते हैं। और मैं तो जानता हूं, मैं गुजरात में था, मुझ पर क्या क्या जुल्म हुए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, इतिहास गवाह है क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, गुजरात के साथ क्या 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 नहीं हुआ। लेकिन उस कालखंड में भी हर दिन आप मेरे रिकॉर्ड देख लीजिए,
मुख्यमंत्री के नाते मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि गुजरात का मंत्र क्या है, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमेशा दिल्ली में किसकी सरकार है सोच करके नहीं चलते थे, देश के विकास के लिए गुजरात का विकास। और यही फेडरलिज्म में हम सबका दायित्व यही बनता है कि हम देश के विकास के लिए अपने राज्यों का विकास करेंगे, ताकि दोनों मिलकर के देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और यही तरीका सही तरीका है, उसी रास्ते पर चलना हमारे लिए जरूरी है। और ये बहुत दुखद है, जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे, सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे दमन किया था, करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? और इसलिए लोकतंत्र का भी आपने सम्मान किया, और वो कौन प्रधानमंत्री है जिसने अपने कालखंड में 50 सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया था, राज्य की 50 सरकारों को? आदरणीय सभापति जी, इन सारे विषयों के जवाब हर हिंदुस्तानी जानता है, और उसी की सजा आज उनको भुगतनी पड़ रही है। देश उनको स्वीकार कर ले। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हाईकमांड जो है उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो, और फिर डिसमिस करो। इसी तरीके से अविश्वास पैदा करो, अस्थिर करो, और फिर बर्खास्त करो। इन्हीं बातों को लेकर के चले हैं। आप जरा बताइए आदरणीय सभापति जी, मैं आज कहना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी देवीलाल जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार को किसने अस्थिर किया था, पंजाब में सरदार बादल की सरकार के किसने बर्खास्त किया था, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को बदनाम करने के लिए किसने डरते टिक्स का उपयोग किया था, कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े और एसआर बम्बई की सरकार को किसने कराया था, 50 के दशक में केरला की चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को किसने गिराया था, उस कालखंड में 50 साल पहले, तमिलनाडु में इमरजेंसी के दौरान करुणानिधि जी की सरकार को किसने गिराया था, 1980 में एमजीआर की सरकार को किसने डिस्मिस किया था, आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी, और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सरकार अहम भूमिका निभाई, उसके साथ क्या किया? जिस आंध्र ने यहां सत्ता में बैठने के लिए उनको मौका दिया था, उनके साथ क्या किया? उन्होंने बहुत शर्मनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे, राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है, साथ मिलकर के किया जा सकता था, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं, और आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है।